Hello students, this is Ejaz of Maths Academy and I am Ansar sir. Today we are going to study meiosis. After mitosis, in the previous lecture we studied mitosis and now we are going to study meiosis. Meiosis. Remember, meiosis takes place only in germ cells. Okay, and mitosis takes place in somatic cells and stem cells. तो अब देखते हैं हम मियोसिस में क्या क्या होता है. लेट अस नाउ सी. तो मियोसिस की सबसे फर्स्ट स्टेज का नाम है. सो रिमेंबर मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन जर्म सेल्स. जर्म सेल्स आर दो सेल्स विच गिव राइज टू स्पर्म एंड ओवम. जर्म सेल्स वो होते हैं जिससे स्पर्म एंड ओवम बनता है. तो मियोसिस की स्टेजेस देखो कौन कौन सी है. फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस इज प्रोफेज. फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, प्रोफेज. एंड इस प्रोफेज वन मियोसिस में बहुत लंबा प्रोसेस होता है मियोसिस एज कंपेयर टू माइटोसिस. सो प्रोफेज वन में भी बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस है. तो सबसे पहला स्टेज जो प्रोफेज वन का है उसका नाम है लेप्टोटीन. अब ध्यान से समझो क्या होता है. तो हमारे पापा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी टेस्टिस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस में क्या होता है. पापा के टेस्टिस आपको समझता, आई होप आपने पढ़ा है. सो पापा के टेस्टिस में बहुत सारे सेल्स होंगे, उन्हीं में से ये एक सेल है. सपोज पापा के टेस्टिस में बहुत सारे सेल्स है, उनमें से लेट अस सपोज ये एक सेल है और इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस. इसके अंदर है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस इन द डैड्स टेस्टिस. टेस्टिस यानी जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो एग लाइक स्ट्रक्चर्स को टेस्टिस बोलते हैं. और उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, ये सेल का नाम है जर्म सेल. दिस इज कॉल्ड GERM, जर्म सेल. और जर्म सेल के अंदर यहां पर होंगे टोटल 46 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स होंगे यहां पर, देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स. और ये किसकी बॉडी में है, इन डैड्स जर्म सेल. ये इसको लिख देता हूं मैं, ये डैड्स जर्म सेल इन हिज टेस्टिस. डैड की बॉडी का, डैड की टेस्टिस का ये जर्म सेल है. इसमें 46 क्रोमोसोम्स है और 46 में से 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम दादा एंड 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम दादी. डैड के बॉडी में टेस्टिस के सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, 46. तो 46 में से 23 कहां से आए, डैड के बॉडी में कहां से आए, वो दादा से आए. और 23 कहां से आए, दादी से आए. ठीक है, तो ये इस तरह रहेंगे देखो. एंड लेप्टोटीन का मतलब क्या होता है, लेप्टो यानी थिन और टीन यानी थ्रेड. तो इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स विल बी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो कंडेंस होना चालू होंगे. क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होना चालू होंगे. कंडेंस होने का मतलब है छोटे और मोटे होंगे. ठीक है, शॉर्ट एंड थिक. क्रोमोसोम्स शॉर्ट एंड थिक होंगे, मतलब जो लंबे लंबे धागे थे क्रोमोसोम्स के वो छोटे छोटे होना चालू होंगे. अब इसमें ध्यान दो कि दादा और दादी के बॉडी के क्रोमोसोम्स हमको बनाना है. तो ये है समझो दादी का फर्स्ट क्रोमोसोम. ब्लू कलर पूरा आखिरी तक, ब्लू इज दादी एंड रेड इज दादा. ये दादी का फर्स्ट क्रोमोसोम है. ये दादी का सेकेंड क्रोमोसोम यहां पर है. ये दादी का थर्ड क्रोमोसोम ये इधर है. ठीक है, और इस ऐसा करते करते दादी का 23 नंबर का क्रोमोसोम यहां है, समझो. अंडरस्टूड. और अब उसी तरह से दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम कहां है, तो दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम ये यहां पर है. ये दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम है. दादा का सेकंड क्रोमोसोम कहां है, तो दादा का सेकंड क्रोमोसोम यहां है. दादा का थर्ड क्रोमोसोम कहां है, तो ये यहां है. दादा का 23 नंबर का क्रोमोसोम कहां है, तो दादा का 23 क्रोमोसोम नंबर ये है. मतलब दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली. क्रोमोसोम्स कैसे है,
क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? रैंडम, रैंडमली प्रेजेंट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट है? रैंडमली प्रेजेंट है, यानी जोड़ी बना के नहीं है, किधर भी क्रोमोसोम्स पड़े रहेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, तो लेट अस सी। सेकंड स्टेज का नाम है जाइगोटिन। प्रोफेज वन की पांच स्टेजेस है, देयर आर फाइव स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन एंड द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटिन। सो हैव अ क्लोज लुक एट इट। लेप्टोटीन, लेप्टो इज थिन, टीन इज थ्रेड। सो यहाँ कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम्स मोटे और छोटे हो जाएंगे एंड वो रैंडमली प्रेजेंट होंगे। दादा का थर्ड, दादी का फर्स्ट, दादा का सेकंड, तो दादी का 23rd क्रोमोसोम, दादी का ब्लू वाला क्रोमोसोम दादी का रहेगा और रेड वाला दादा का। सो ब्लू वाला सेकंड के साथ रेड वाला फर्स्ट है और ब्लू वाले सेकंड के साथ रेड वाला 23rd है। तो क्रोमोसोम किधर भी है, दे आर प्रेजेंट रैंडमली। 46 क्रोमोसोम्स में से 23 दादा के और 23 दादी से आए, किसके पास, डैड के बॉडी में आए, जर्म सेल में। ठीक है, अब जाइगोटीन देखो, जाइगोटीन में क्या होता है। तो जाइगोट का मतलब क्या होता है, पेयर। तो जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर होगा पेयरिंग अप ऑफ दादा एंड दादी, पेयरिंग अप होंगी यहाँ पर, उसी को सिनेप्सिस भी कहते हैं। Pairing up is also called synapsis. Synapsis का मतलब होगा जोड़ी बनेगी, मतलब क्या होगा, ये देखो ये है सेल, ये न्यूक्लियस अगर रफ बना रहा है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, वो सब आपको मालूम है। ठीक है, फिर भी तो देखो, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमको अभी पढ़ना नहीं है, हमारा एम न्यूक्लियस नहीं है। तो सी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग अप होंगी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समझाता हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सिनेप्सिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस में देखो क्या होता, पेयरिंग अप यानी दादा का फर्स्ट और दादी का फर्स्ट आजू बाजू में आके खड़े हो जाएंगे। सी ये दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम है, ये दादा का थर्ड क्रोमोसोम है और ये दादा का 23rd क्रोमोसोम है। लेट अस सपोज, हालांकि मालूम है हमको एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, लेकिन यहाँ हम वो सब चीजें देखने नहीं जा रहे। तो दिस इज, ये दादा का फर्स्ट है, तो दादा के फर्स्ट के बाजू में क्या हो जाएगा, दादी का फर्स्ट क्रोमोसोम आ जाएगा। तो अब साइंटिस्ट लोग ये सोच में डूबे हुए, बायोलॉजिस्ट, कि ये दादा के फर्स्ट क्रोमोसोम को कैसे मालूम पड़ता है कि इतनी भीड़ में दादी का फर्स्ट कहाँ है। तो दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम बराबर दादी के फर्स्ट क्रोमोसोम को ढूंढ के लाता और बाजू में खड़े रखता, बोलता बड़ी भी मेरे बाजू में खड़े हो जाए, अपन दोनों को फोटो निकालना है। तो दादा का फर्स्ट एंड दादी का फर्स्ट, दादा का सेकंड क्रोमोसोम एंड दादी का सेकंड क्रोमोसोम, दोनों आजू बाजू में खड़े हो गए। दादा का थर्ड क्रोमोसोम एंड दादी का थर्ड क्रोमोसोम, दोनों आजू बाजू में खड़े हो गए। तो ये फर्स्ट फर्स्ट को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सेकंड सेकंड को भी बोलते हैं होमोलोगस, थर्ड थर्ड को भी बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये है यहाँ पर दादा का 23rd और दादी का भी 23rd। ऐसे ये 23rd यानी सिर्फ चार पेयर्स नहीं है, ऐसे पूरी 23 पेयर्स है। अब मैं पूरी पेयर्स बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दादा का फर्स्ट, दादा दादी का फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, एट एट, नाइन नाइन, ऐसा करते करते पूरी 23 पेयर्स। दादा का फर्स्ट फर्स्ट, दादी का दादा दादी फर्स्ट फर्स्ट, दादा दादी सेकंड, दादा दादी थर्ड, ऐसे पूरे 23 जोड़ियां खड़ी हो जाएंगी आजू बाजू में। इसी स्टेज को बोलते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोट का वैसे भी मतलब होता है टू, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, तो जाइगोटीन यानी टू। ये जाइगोटीन का मतलब टू होता है, दो। तो यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स आजू बाजू में आके खड़े हो गए, ये दोनों खड़े हो गए। ठीक है,
तो ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में और कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स आजू बाजू में आके खड़े हो जा रहे हैं। अच्छा, ये भाग नहीं जाना चाहिए दादा दादी, कहीं ऐसा ना हो कि दादा और दादी भाग जाए। तो इनके बीच में यहाँ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिवेलप होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो इन दोनों को पकड़ के रखेगा। ये मैंने समझो ब्लैक कलर से शो किया, ये ब्लैक कलर का केमिकल सब्सटेंस है, ये इन दोनों को पकड़ के रखेगा। ऐसा ही है, इन दोनों में भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो इनको भी पकड़ के रखेगा, इनको भी पकड़ के रखेगा 23 वालों को। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहां लिख देता हूं मैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिवेलप्स एंड बाइंड्स द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टुगेदर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल्स एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जाइगोटिन ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, इसलिए इनको बांध के रखा है। अब मेरे ख्याल से तो आगे चल के हम ये चार चार नहीं बना, चार पेयर नहीं, किसी एक या दो पेयर पर भी स्टडी कर लिए तो सब वही है ना। तो द नेक्स्ट स्टेज इज पैचिटी, थर्ड स्टेज का नाम क्या रहेगा, पैचिटीन। प्रोफेज वन की थर्ड स्टेज का नाम है पैचिटीन, और पैचिटीन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, रेप्लिकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये कितना है, दादा का सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम, दादी का सिंगल क्रोमैटिड। क्रोमैटिड मैंने आपको माइटोसिस में समझा चुका हूं, ये दादा का सेकंड क्रोमैटिड, यानी ये एक क्रोमोसोम, लेकिन कैसा क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। अब यहां पर जो बनेगा वो डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा। रिमेंबर क्रोमोसोम नंबर इज काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम नंबर गिने जाते हैं, क्रोमैटिड से नहीं गिने जाते। बस इसी कारण से जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक ने धोखा खा लिया है और पेज नंबर 18 पर गलत दे दिया, उन्होंने इंफॉर्मेशन गलत दे दी है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। तो सी दिस इज पैचिटीन की स्टेज पढ़ रहे हम। अब पैचिटीन में क्या होगा, ये जो दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम है वो क्या करेगा मालूम है, ये दादा का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो ऐसा अपने आप का जुड़वा बनाएगा, ये ऐसा, यानी ये सिंगल क्रोमैटिड वाला फर्स्ट क्रोमोसोम था, अब ये डबल क्रोमैटिड वाला फर्स्ट क्रोमोसोम है दादा का, और उसी तरह सेकंड भी बनेगा, लेकिन अब ये चारों नहीं बनाते, काम करते अपन फर्स्ट बनाते हैं 23rd बनाते डायरेक्ट, वरना आप बोलोगे बाकी के कहां है, ये इसमें रहने देते, इसमें से थर्ड को हटा देता मैं। चावल पक गए या नहीं पक गए, खाना पकाते समय एक दो चावल के दाने दबा कर देख लो तो पता चल जाता पूरे चावल पके या नहीं पके, हालांकि वो हमेशा सही नहीं होता है। तो चलो तीन बना लेते अपन, फर्स्ट सेकंड एंड डायरेक्ट 23rd वाला। तो सी, क्योंकि जगह भी तो बचनी चाहिए, ये फर्स्ट है और ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम कहाँ बना हुआ है, ये देखो ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम, ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम और ये दादा का 23rd क्रोमोसोम, ये दादा का 23rd नंबर क्रोमोसोम। क्या किया दादा के क्रोमोसोम्स ने, पूरे 23 क्रोमोसोम्स ने क्या किए, सिंगल क्रोमैटिड वाले दादा के क्रोमोसोम्स कैसे बन गए, डबल क्रोमैटिड वाले दादा के क्रोमोसोम्स बन गए। रेड कलर इज ऑलवेज दादा एंड ब्लू कलर इज दादी। अब ये दादी के क्रोमोसोम नंबर 1 में भी क्या होगा, दादी का भी क्रोमोसोम नंबर 1 ये ऐसा हो जाएगा, यहां पर ये देखो दादी का सेकंड, दिस इज दादी का सेकंड, ये दादी का फर्स्ट और ये दादी का 23rd, ये दादी का 23rd। इस तरह क्या हुआ, सिंगल क्रोमैटिड वाले जो क्रोमोसोम्स थे वो डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स बन गए, डबल। इस तरह ये पैचिटीन में क्या हुआ, स्प्लिटिंग अप ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड से डबल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम बन गया। अब इनकी होंगी क्रॉसिंग ओवर,
तो क्रॉसिंग ओवर कैसी होंगी, तो यहां बनाते नीचे डायग्राम बनाते पैचिकिंग के दो डायग्राम्स बन जाएंगे, पैचिकिंग के दो डायग्राम्स बन जाएंगे। कहां बनाऊं मैं? अच्छा पहली बात आपको दिखा क्या यहां का, इसको जूम करके देख लो पता चला। अरे हाँ यस, अच्छा हुआ मैं इधर आके देख लिया, पैचिटिन तो आपको दिखा ही नहीं। सी व्हाट हैज हैपेंड इन पैचिटिन, पैचिटिन में क्या हुआ, जो सिंगल क्रोमेटिड वाला था रेड वाला दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम, उसमें डबल क्रोमेटिड आ गया। ठीक है, दादी में भी फर्स्ट क्रोमोसोम में डबल क्रोमेटिड, सेकंड में, थर्ड में, पूरे 23 क्रोमोसोम्स में दादा के भी डबल क्रोमेटिड वाला बन जाएगा क्रोमोसोम और दादी का भी डबल क्रोमेटिड वाला बन जाएगा। ठीक है, पैचिटिन में स्प्लिटिंग अप ऑफ क्रोमोसोम अब होगा, इस तरह डबल क्रोमेटिड वाले हो जाएंगे। अब उसके बाद होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता तो मैं उसके बाजू में एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं अपन ताकि हमको ज़्यादा पोर्शन दिखाई दे। ओ इतना भी ज़्यादा जूम आउट नहीं करना है, तो अब ज़्यादा पोर्शन दिखाई देगा इसलिए हम उसको बनाते हैं। सी ये है सेल, जगह ये इसलिए मैं रफ कैसे भी बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस। ठीक है, हर बार न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये न्यूक्लियस है, हालांकि इसका कोई अभी फिलहाल रोल नहीं है ज्यादा, फिर भी उसको बना बना के बार बार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ अब क्या होगा, तो दादा का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है और दादी का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो ओवरलैप होंगे एक दूसरे में, यानी ये दादा का इधर का आर्म है, ये दादा का इधर का आर्म है, ये दादा का फर्स्ट है। ठीक है, दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम और ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम और ये दादा का 23 नंबर वाला, ऐसा। अब इसमें क्या होगा, दादी आ जाएगी बीच में, मतलब दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम पर दादी का भी फर्स्ट क्रोमोसोम ओवरलैप होगा, और कितना ओवरलैप होगा तो ये पूरा का पूरा ओवरलैप होता है इनफैक्ट। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं अपन, और टाइम सेव करके अपन ज्यादा नहीं बना रहे। ये दादी का क्रोमोसोम एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए। ठीक है, ये दादी का फर्स्ट है, ये दादी का सेकंड है, ये दादी का 23rd, और इसको भी नंबरिंग कर देता हूँ, ये दादा का सेकंड है और ये दादा का 23rd। क्या हुए, क्रोमोसोम एक के ऊपर एक ओवरलैप। एक्चुअली ये इतना सा नहीं होता, क्रोमेटिड के सिर्फ पी आर्म और क्यू आर्म यानी आर्म्स आर्म्स ही नहीं होते, इनफैक्ट पूरे के पूरे भी हो जाते। मेरे ख्याल से एक आधे में पूरे बता देता हूँ मैं। ये क्रोमोसोम जो है सेकंड वाले में अपन एक काम करते, सेकंड वाला क्रोमोसोम में क्या हो जाता मालूम है, दादी जो है वो पूरे भारी पड़ जाते दादा पर। दादी ने पूरे बता दो भारी ज्यादा हो जाएगा, ये दादी है और अपन दादा को थोड़ा ज्यादा कवर कर लेते। सी दिस इज दादी नंबर, दादी का सेकंड क्रोमोसोम और ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम, इतना सा, ये दादा का सेकंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो दिस इज क्रॉसिंग ओवर हो गई। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, तो देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी मटेरियल एक्सचेंज होगा यहां पर, मटेरियल एक्सचेंज। कौन सा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा दादा दादी के बीच का। अब मैं उधर की डायग्राम पैचिटिन वाले वो मिटा दूंगा, सॉरी कौन सी लेप्टोटिन और जाइगोटिन मिटा दूंगा। ये देख लो पहले, इसको जूम कर लेते हैं हम और हैव अ लुक एट इट। देखो पैचिटिन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पैचिटिन में सबसे पहले जो दादा सिंगल क्रोमेटिड थे वो डबल क्रोमेटिड हुए, दादी भी सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड हो गए, सेकंड में भी डबल डबल क्रोमेटिड, थर्ड में भी डबल डबल क्रोमेटिड। उनके बीच में मैंने अभी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, वो उसको अभी भी पकड़ के रखा है, रुक जाओ मैं बना लेता हूँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ, देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने अभी भी उनको पकड़ के रखा, अभी भी पकड़ के रखा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने उनको, अभी भी जॉइन करके रखा है। ठीक है,
तो और वो जो नीचे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहां पर भी सिनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स है अभी भी, ठीक है। सी दिस इज पैचिटीन, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए, क्रॉसिंग ओवर हो गया, एंड क्रोमोसोम्स देखो, दादा दादी, दादा का फर्स्ट, दादी का फर्स्ट ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे पर, दादा का सेकंड, दादी का सेकंड ओवरलैप हो रहा है, दादा का थर्ड 23rd और दादी का 23rd ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ हो रही है क्रॉसिंग ओवर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, माल एक्सचेंज हो जाता है, मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ इसके आगे की स्टेज में क्या होगा। तो देखो पहले मैं मिटा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट स्टेज जो है, स्टेज नंबर 4 इज लेजी पा डिप्लोडाइकी। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड डिप्लोटीन, इसको बोलते हैं डिप्लोटीन। इसमें क्या होगा, तो लेट अस सी। ये है पापा की बॉडी का सेल, कहाँ का सेल है ये, तो ये टेस्टिस का सेल है, जर्म सेल बोलते हैं इसको। और जर्म सेल के अंदर दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर पोर्स है, आने जाने के लिए रास्ता है। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ये होगा कि दादा का जो रेड वाला क्रोमोसोम होगा ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा, ये ऐसा दिखेगा। और दादा का सेकंड जो है वो ऐसा दिखेगा, और दादा का 23rd ऐसा दिखेगा कैसा, तो ये ऐसा। यहां आ गए दादी, दादा के क्रोमोसोम के टुकड़े में दादी का क्रोमोसोम का टुकड़ा ऐड हो गया, या आधा भी टुकड़ा ऐड हो सकता है, पूरा भी टुकड़ा ऐड हो सकता है, समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया। और दादी कैसे दिखेंगे, तो यहां देखो दादी ऐसे रहेंगे, ये दादा का फर्स्ट था, कैसे दिखेंगे, तो दादी के क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, अगर आप इस डायग्राम में मेरी गलती निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। कौन सी गलती होगी मालूम है, कि डिप्लोटीन में ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दादा दादी का जो फर्स्ट फर्स्ट है, अभी भी ये जुड़े हुए होते हैं, और ये भी अभी भी जुड़े हुए रहते हैं, ये भी जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, उनको दिखाने के लिए सेपरेटली दिखना चाहिए, इसलिए मैंने उनको सेपरेट करके दिखाया। तो यहां पर क्या होगा, दिस स्टेज इज कॉल्ड डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, सिनेप्टोनिमल, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व, डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब डिसअपियर होगा, डिसअपियर होगा, इट विल डिसअपियर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होगा। और देखो दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम कैसा है, अब ये दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम नहीं है सिर्फ, ये साथ में दादी का भी क्रोमोसोम का टुकड़ा उसमें ब्लू वाला लगा हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा, रेड यानी दादा और ब्लू यानी दादी, तो दादा के क्रोमोसोम में दादी का क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, और दादी के क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, फर्स्ट फर्स्ट में, सेकंड में भी वैसे ही हुआ, 23rd पूरे सब क्रोमोसोम में लगभग वैसा ही हुआ समझो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल पोर्शन इतने इतने ही टुकड़े होते, कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े टुकड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने 23 में दिखाया, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा टुकड़े पोर्शन भी डिवाइड हो सकते हैं, दादा का सेकंड, दादी का सेकंड, दादा का 23rd, दादी का 23rd, इस तरह। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, रेड यानी दादा एंड ब्लू यानी दादी, ध्यान से देख लो। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, और
इससे माल एक्सचेंज हो गया, दादा के फर्स्ट क्रोमोसोम में दादी का टुकड़ा आ गया, दादी के फर्स्ट क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के टुकड़े एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब डिप्लोटीन की स्टेज हो चुकी है, तो डिप्लोटीन की यह स्टेज थी, ठीक है, इसको टेट्राहेड बोलते हैं, टेट्राहेड, ये दोनों मिला के टेट्राहेड, ये टेट्राहेड, टी ई टी आर ए डी, 1 2 3 4, कितने हैं ये, 1 2 3 4, और टेट्रा यानी 4 होता है केमिस्ट्री में, सो टेट्राहेड बन जाएगा ये, फर्स्ट टेट्राहेड, सेकंड टेट्राहेड, थर्ड टेट्राहेड, 23 टेट्राहेड्स बन जाएंगे ऐसे, तो हमको टेट्राहेड उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद की स्टेज का नाम क्या है, तो प्रोफेज 1 की जो लास्ट स्टेज है उसका नाम है डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस हम बोलते हैं इसको, याद कैसे रखना, पहली स्टेज का नाम क्या है, पहली स्टेज का नाम है लेप्टोटीन, सेकंड स्टेज का नाम क्या है जाइगोटीन, थर्ड क्या है पैचिटीन, फोर्थ क्या है डिप्लोटीन, फिफ्थ का नाम क्या है डायकाइनेसिस, तो ऐसे याद रखना, लेजी पा डिप्लोडाइकी, लेजी पा डिप्लोडाइकी, लेजी यानी लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेजी पा यानी पैचिटीन, डिप्लो यानी डिप्लोटीन, और डायकाइनेसिस को डाया है ना, लेजी पा डिप्लोडाया, लेसिपा डिप्लोडाइकी, डाइकी यानी डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, इन द स्टेज ऑफ डायकाइनेसिस दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग, टर्मिनलाइजेशन होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा इनका, स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाएंगे, मतलब जो माइटोसिस में हुआ था वैसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है डैड की बॉडी का सेल, रुक जाओ मैं बाजू का डायग्राम मिटा देता हूँ, तो लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस हियर इन डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम जो है सब बीच में आ जाएंगे, नहीं अभी बीच में नहीं आएंगे, ये थोड़े टर्मिनलाइजेशन होगा यानी सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाने का मतलब क्या है कि ये देखो ऐसे रेड वन, ये ऐसा, फिर सेकंड भी बना लेता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट, ये 23rd वाला, यस, एंड दिस इज सेकंड, फिर उसके बाद हमको मालूम है दादा के क्रोमोसोम में किसका टुकड़ा लग गया, दादी के क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, कैसे आया ये, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण आया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, क्रोमोसोम का टुकड़ा क्रोमैटिड का टुकड़ा अदली बदली हो गया, दादा के पास दादी का टुकड़ा चला गया, दादी के पास दादा का टुकड़ा चला गया, यहाँ पर रहेंगे दादी, दादी चुपड़ी चुपड़ी दादी, ये दादी है, हम यहाँ दादी कहाँ पर हैं, ये दादी है, ये यहाँ पर, दिस इज दादी का 23rd क्रोमोसोम, दादी का सेकंड क्रोमोसोम, दादी का फर्स्ट क्रोमोसोम, उसमें दादा का टुकड़ा ऐड हो गया, हमको मालूम है दादी के क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा ऐड हो गया, अब ये प्योर दादी नहीं रहे, इनके पास दादा का क्रोमोसोम भी है, और क्रोमोसोम कैसे बनता, क्रोमोसोम बनता है प्रोटीन से और डीएनए से, डीएनए और प्रोटीन, तो दादी के क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा आ गया, मतलब दादा का डीएनए आ गया, और डीएनए आ गया मतलब डीएनए में क्वालिटीज रहती है, ट्रेट्स होते हैं, तो ये देखो ये इस तरह हो गए, थोड़े सरक गए दूर दूर, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, अरे मैं यहाँ वो तो बनाना भूल गया, न्यूक्लियस, अरे हाँ लिख दूं क्या मैं, न्यूक्लियस डिसअपियर होना चालू हो जाता है करके, ये सेल, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, और अब ये जो डायकाइनेसिस की जो स्टेज है, यहां पर सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा, डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा का मतलब क्या है,
एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन जाएंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना चालू होती है। तो यहां पर क्या क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन, नंबर टू टर्मिनलाइजेशन है, सेपरेट हो गए, दादा दादी सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है, तो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट स्टार्ट्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होना चालू हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनने की तैयारी चालू हो जाएंगी, वो हम अगली स्टेज में लिखेंगे। तो ये हो गया, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होने का मतलब ये है कि ये एक सेंट्रियोल जो है इसके और एक सेंट्रियोल बनेगा, ये ऐसा, ये दिस इज सेंट्रियोल। आप बोलेंगे सर सेंट्रियोल क्या करता, तो मैं कहूंगा आपने माइटोसिस का लेक्चर नहीं देखे, माइटोसिस में सेंट्रियोल का मैंने समझाया, सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और वो क्रोमोसोम्स को अलग अलग खींच लेते हैं। तो यहां तक ये जो पांच स्टेजेस पड़े ये था प्रोफेज वन। अब क्या होगा, अब आएगा, उसके बाद आएगा मेटाफेज वन, सेकेंड स्टेज चालू हो रही है और सेकेंड स्टेज का नाम है मेटाफेज वन। पहले प्रोफेज वन था और प्रोफेज वन की पांच स्टेजेस थी, कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, और उसके बाद चालू हो रहा मेटाफेज वन। और मेटा का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हूं माइटोसिस के पुराने लेक्चर में कि मेटा यानी मिडल, मेटा का मतलब मिडल याद रखना, और फेज यानी स्टेज, फेज यानी स्टेज, मिडल वाली स्टेज। मिडल वाली स्टेज का मतलब क्या है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो मिडल में आ जाएंगे, यानी समझाता हूं, ये देखो ये है सेल, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो गए, ठीक, ये याद रखना है। एंड बस इतना ही लिखता हूं मैं, आप इसके बीच में, हाँ ये लिख देता हूं मैं कि होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर, उसको उसका मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 .. 23 23, होमोलोगस पेयर इसको बोलते हैं, होमोलोगस पेयर कम एट द सेंटर, कम एट सेंटर, और सेंटर को क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। आप बोले कि क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, तो देखो क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि दादा का फर्स्ट क्रोमोसोम ये यहां आ गया इस तरह, दादा का सेकंड क्रोमोसोम ये यहां आ गया, ऐसा करते करते डॉट 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 डॉट, दादा का 23rd क्रोमोसोम, एंड ऐसे ही ये कौन सा है, दादा का फर्स्ट, ये दादा का सेकंड, और ऐसा करते करते ये दादा का 23rd क्रोमोसोम ऐसा आ गया। अब दादी का भी ऐसे ही होगा कि यहां पर ये तो दादी का टुकड़ा जुड़ा हुआ है, ये हमको मालूम है, ये दादी का टुकड़ा जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम का। नाउ व्हाट विल हैपन, अब दादी का क्रोमोसोम आ जाएगा बाजू में, ये वाला, यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये दादी का 23rd है, दादी का सेकंड है, दादी का फर्स्ट है, ठीक है, और उसमें दादा के क्रोमोसोम का टुकड़ा रहता है, आपको मालूम है, रेड यानी दादा, ब्लू यानी दादी, बार बार बोल रहा हूं मैं। नाउ व्हाट विल हैपन, सेंट्रियोल्स बनेंगे, ये देखो यहां पर सेंट्रियोल आ गया और एक सेंट्रियोल यहां आ जाएगा, और सेंट्रियोल में से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे,
स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये माइटोसिस में आप समझ चुके हो, फिर भी समझा देता हूं। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक फ्लेक्सिबल फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन से बने हुए बारीक बारीक धागे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पाइडरमैन के हाथ से मकड़ी का जाला निकलता है, स्पाइडर कॉबवेब निकलता है और वो खींच के किसी भी चीज को ला लेता है, वैसे ये स्पिंडल फाइबर्स है। ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, तो ये क्रोमोसोम को खींच के इधर ला लेगा, इसको खींच के इधर ला लेगा, ये इधर दादा को खींच के एक साइड ला लेगा, दादी को खींच के एक साइड भेज देंगे ऐसे। अब ये स्टेज जो है इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटा और अच्छा मेटा क्यों बोले, क्योंकि ये मिडल है। मिडल यानी ये देखो दादा दादी कहाँ आके खड़े हो गए, मिडल में, दादा भी बीच में, दादी भी बीच में, दादा दादी बीच बीच में, दादा दादी बीच बीच में, सेल के सेंटर में वर्टिकली दोनों आके खड़े हो गए। और स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे, दोनों को खींचना चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको देख लो अच्छे से डायग्राम को। अरे यार मैंने इतना एक्सप्लेन किया मेरा ध्यान ही नहीं। ये देखो मेटाफेज, मेटा यानी क्या होता है, मिडल, मेटा यानी मिडल। सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, सिर्फ सेल वॉल, सॉरी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल। फिर उसके बाद में स्पिंडल फाइबर्स बन रहे। देखो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, तो वो दादा के क्रोमोसोम्स को खींच के पकड़ के लाएंगे, एक साइड में लेफ्ट में दबाएंगे, और उधर के जो स्पिंडल फाइबर्स है राइट हैंड साइड वाले, वो दादी के ब्लू क्रोमोसोम्स को खींच के एक साइड ले जाएंगे। दादी का एक टुकड़ा छूट गया, जेनेटिक डिफेक्ट ना आ जाए, हाँ, तो वो दादी के क्रोमोसोम को उधर खींच लेंगे राइट की तरफ। इस तरह क्या होंगे, दादा के क्रोमोसोम अलग चले जाएंगे, दादी के क्रोमोसोम्स अलग चले जाएंगे न्यूक्लियर। और होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर किसको बोलते हैं, दादा का फर्स्ट दादी का फर्स्ट, इसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। दादा का सेकंड दादी का सेकंड, इसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। दादा का थर्ड दादी का थर्ड, इसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। ऐसे पूरे आखिरी तक ऐसी पेयर बनती है, और ये इक्वे बीच में आके मेटा यानी मिडल, तो ये सब मिडल में आके खड़े हो जाते हैं। मिडल में यानी ये सेल के बीचों बीच में आके खड़े हो गए, यहाँ बीचों बीच में, ठीक है। तो सेल के बीचों बीच में आके खड़े हो गए, आई होप आपको ये समझ गया है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा एनाफेज वन, इसके बाद जो आने वाला है दैट इज कॉल्ड एनाफेज वन। स्टेज नंबर थ्री इज एनाफेज, एनाफेज वन। नाउ व्हाट विल हैपन इन एनाफेज वन, एना का मतलब होता अवे, याद कैसे रखेंगे हम, एना इज अवे, मेटा यानी मिडल था और फेज यानी स्टेज। तो अवे वाली स्टेज, अवे वाली स्टेज का मतलब क्या है, दादा के क्रोमोसोम्स इधर आ जाते भाग के, ये फर्स्ट ये सेकंड ये 23rd, और दादी के क्रोमोसोम्स भी जो है वो भी एक साइड भाग जाएंगे। देखो ये दादा के क्रोमोसोम्स है, एक साइड आ गए, किसने खींच लिया एक साइड इनको, तो सेंट्रोमियर्स ने, सॉरी हाँ सेंट्रोमियर्स ने खींच लिए विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और ये दादी एक साइड भाग गए। ये दादी का फर्स्ट, ये दादी का सेकंड, और ये दादी का 23rd। मतलब क्या कि क्रोमोसोम्स आर नाउ सेपरेटेड, क्रोमोसोम्स आर सेपरेट हो गए इस तरह से, दादा अलग भाग गए, दादी अलग भाग गए। अब इसके बाद की जो स्टेज है उसका नाम है टीलोफेज, नंबर 4 इज टीलोफेज, टीलोफेज 1। टीलो का मतलब टेल होता है, टीलो यानी टेल, टेल यानी लास्ट स्टेज,
काय की मियोसिस वन की, सॉरी मियोसिस वन, हाँ बोल सकते हैं। तो अब इसमें देखो क्या होगा, बड़ी अजीब चीज होगी, इसमें दो न्यूक्लियाई बन गए, ये न्यूक्लियस बन गया और ये न्यूक्लियस बन गया। अब पूरी पूरी डायग्राम बनाते रहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, डायग्राम बना बना के थक गया हूं। दिस इज 1, 2, 23 समझ, 23 है ना वो पूरे हैं, 23 23 वो है डबल क्रोमेटिक स्ट्रक्चर्स 23, ठीक है। ये दादा है, दादा रेड कलर के, ये दादी फर्स्ट, दादी सेकंड, दादी 23rd। मतलब क्या, दिस इज दादा, हियर इट इज दादी, ये देखो कितने न्यूक्लियस बन गए, दिस इज न्यूक्लियस वन एंड हियर दिस इज दादी न्यूक्लियस टू। सच में देखा जाता हूं ये ना दादा ना दादी, टुकड़े टुकड़े जुड़े हुए कंबाइन, ठीक है। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, मतलब यहां पर कैरियोकाइनेसिस जो है इसका हो गया, अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब यह है कि द साइटोप्लाज्म ऑल्सो विल डिवाइड। इसके बाद की स्टेज क्या होंगे वो बहुत ड्रॉ करना पड़ता है, आप इमेजिन कर लो आगे का क्या होगा, मालूम है द साइटोप्लाज्म ये यहां से ऐसा होगा, ये ऐसा स्टेज बनाएगा, ऐसा नॉच बनाएगा खचका, यहां दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म हियर, ये साइटोप्लाज्म है, और ये ऐसा अगली स्टेज में थोड़ा ऐसा हो जाएगा, अगली स्टेज में थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होते होते व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये एक सेल बन जाएगा अलग और ये एक अलग सेल बन जाएगा। तो दिस इज सेल वन एंड दिस इज सेल टू, कितने सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए, ठीक है, कितने सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए। कब तक, टेलोफेज वन हो गया, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो गया, हो गया यहां पर, ठीक है, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, और इस तरह एक सेल से कितने सेल बन गए, दो, एक सेल के कितने बने, दो, अब एक से भले दो, दो से भले चार। अब देखो अगली स्टेज में क्या होता है, तो अगली स्टेज में होगा ये, मैं रुकाता हूं इसको, ठीक है। अब कौन सी स्टेज आने वाली है, प्रोफेज टू, प्रोफेज टू में क्या होगा, अब आगे की स्टेजेस में फटाफट समझा देता हूं आपको, है ना। प्रोफेज में ये देखो, ये प्रोफेज होगा, फिर उसके बाद सेवन नंबर क्या होगा, मेटाफेज, मेटाफेज टू होगा, मेटाफेज टू में क्या होगा, ये मिडल में आ जाएंगे, रफ डायग्राम बना देता हूं यहां पर, छोटी छोटी डायग्राम बना देता हूं, ये मेटाफेज में होगा, मेटाफेज में सी, मेटाफेज में ये होगा कि दोनों में ऐसे ही होगा, ये ऐसा रह जाएगा, ये ऐसा, अरे यार इसमें तीन तीन सेल बनाना हमको, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेक्चर लंबा हो रहा है, ऐसा।
अब इसमें यहां देखो, दिस इज इट, ये वाला, दिस इज इट, ये वाला, एंड दिस इज इट, ये वाला। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये दादा वाला जो पार्ट है ये ऐसा चला जाएगा अलग। अब इसका डिवीजन होने वाला है, जो क्रोमेटिड के दो आर्म्स है ना, एक इधर एक उधर, ऐसा होगा। ये स्पिंडल फाइबर्स, सॉरी ये सेंट्रियोल्स, ठीक है, इसमें ऐसा होगा, ये दादी है, ये दादी का फर्स्ट, ये दादी का सेकंड, ये दादी वाला 23rd, ठीक है, और ये दादा का फर्स्ट था, ये दादा का सेकंड था, ये दादा का 23rd, एंड दिस इज, यहां पर हम ये बना देंगे मेटाफेज में हमेशा वही होता है, हर बार क्या होता है, ये मिडल में आके खड़े हो जाएंगे, मिडल में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। मेटा का मतलब है फिर से मिडल, मिडल, और यहां पर क्या बन जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा सेंट्रियोल, यहां बन जाएगा सेंट्रियोल, और ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा, 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 ये इसको खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा, खींचा खाची चालू हो जाएंगे इनकी। यहां पर भी ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, आप समझ रहे हैं। हालांकि ये लेक्चर में जूम पर, जूम ऑनलाइन क्लास में, जूम क्लाउड पर मैं समझा चुका हूं, दिस इज आवर रिवीजन। तो इस तरह देखो, ये मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होगा कि मिडल में आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे क्या, ये क्रोमोसोम्स, फिर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, ठीक है, और यहां पर भी सेंट्रियोल्स आ गए थे, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए, डुप्लीकेट। अब मैं ये शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। नंबर फाइव, एनाफेज टू, एनाफेज टू, एना का मतलब मैंने क्या बताया था, अवे, फेज यानी स्टेज। एनाफेज में क्या होगा, ये देखो, क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, तो दिख रहा है आपको, वेरी गुड, ये देख लो दूर एकदम, डीव जैसा थोड़ी देर पहले हुआ था उसके आगे का हो रहा है। नाउ सी, अब इसमें क्या हो जाएगा मालूम है, ये एक अलग भाग गया और ये दादी वाला जो टुकड़ा था ये अलग रह गया, ये एक अलग भाग गया, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, ये एक अलग भाग गया, ये अलग रह गया, ये एक अलग भाग गया, ये अलग रह गया, ठीक है। ये दादा का फर्स्ट, फर्स्ट के टुकड़े हो गए। अब इसमें क्या होंगे, तो ये ऐसे हो गए, दिस इज इट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये दादी की केस है, और हमको मालूम है दादी के क्रोमोसोम में दादा का क्रोमोसोम का टुकड़ा ऐड हो गया था, इस तरह। ये फेज का नाम क्या है, एना फेज, इसमें सब सेपरेट हो गए। अब नाइन्थ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एना फेज, प्रोफेज टू, इसका नाम पांच आएगा, है ना, पांच, दिस विल बी सिक्स,
this will be 7 and this will be 8. Telophase में क्या हो जाएगा, telophase 2 में क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा ये कि telophase 2 हम राइट में दूसरी जगह बनाएंगे, यहां बनाएंगे 8, this is telophase 2. लेक्चर मुझे मालूम है बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो वैसा है। टेलोफेज टू, इसको एक बार अच्छे से देख लो क्या हुआ। एनाफेज में अलग अलग हो गए क्रोमोसोम, सिंगल सिंगल क्रोमेटिड्स अलग अलग भाग गए, ठीक है। अब टेलोफेज में क्या हुआ, दो अलग अलग क्रोमोसोम वो बन जाएंगे सेल्स, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा। मतलब और यहां पर बन जाएगा एक न्यूक्लियस और ये बन जाएगा दूसरा न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस 1 एंड दिस इज न्यूक्लियस 2, ठीक है। इसको मैं नाम ऊपर दे देता हूं न्यूक्लियस 2, ठीक है। यहां भी वही कहानी होगी, तो ब्लैक कलर से नाम देता हूं न्यूक्लियस का, तो आप समझेंगे दादी दादा का क्या हो रहा है। तो यहां देखो, यहां पर हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, ऐसा इस तरह, एंड दिस इज न्यूक्लियस 3, न्यूक्लियस 3 और इसका नाम रहेगा न्यूक्लियस 4, ठीक है। अगले स्टेज में क्या होगा, आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये साइटोप्लाज्म है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म, यहां भी इसमें भी क्या है साइटोप्लाज्म, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद क्या होगा, तो यहां बन जाएगा ऐसा स्पर्म, ये बन जाएगा स्पर्म, ये बन जाएगा स्पर्म और ये भी बन जाएगा स्पर्म, और ये स्पर्म में क्या रहेगा, तो ये स्पर्म में रहेंगे दादा दादा दादा, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स, 23 सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्या रहेंगे 23 सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स, इसमें भी रहेगा और इसमें भी 23 सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स,
अब इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेंगे ऐसे, दिस ये रहेगा इसमें, ऐसे क्लिक करेंगे 23, और ये यहां पर क्या रहेगा, अरे यहां क्या बना लिया हमने, तो जा दीजिए ना, सॉरी ये जाती है पूरे ब्लू, न्यूक्लियस नंबर 3, एक्चुअली यहां हमने टुकड़े टुकड़े दे देना चाहिए था दादी के, और यहां पर पूरे ब्लू दादी बनाएंगे, अब यहां पर क्या रहेगा, तो दादी के क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है दादी के क्रोमोसोम्स रहेंगे यहाँ पर, और दादी के क्रोमोसोम में दादा वाला टुकड़ा, अब ये स्पर्म जिसके भी बॉडी में जाएगा उसके, ये स्पर्म से अगर चाइल्ड बनता है, दिस इज स्पर्म 1, स्पर्म 2, स्पर्म 3, स्पर्म 4, अगर फर्स्ट वाला स्पर्म जाएगा जिसके वो जिस स्पर्म वन से जो बेटा बनेगा वो किस पे जाएगा, पूरे दादा की क्वालिटीज लेके जाएगा, स्पर्म टू से जो बनेगा वो क्या करेगा, दादा की क्वालिटीज साथ में दादी की भी क्वालिटीज जाएंगी उसमें, स्पर्म थ्री से जो बनेगा उसमें ज्यादा क्वालिटीज दादी की रहेगी और थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज दादा की रहेंगी, और स्पर्म फोर से अगर कोई जो बेटा बनेगा वो बेटा में दादी की क्वालिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी, दादा की क्वालिटी तो एक भी नहीं रहेंगी, दादा की क्वालिटी एक भी नहीं रहेगी उसमें, पूरी दादी की क्वालिटीज रहेंगी। तो एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं मियोसिस में, एक सेल से चार चार स्पर्म बन गए, चार सेल्स बनते हैं, है ना। डैड के पास क्या था सबसे पहले, तो डैड के पास था एक नहीं वैसे बहुत सारे होते हैं, हमने कितना कंसीडर किया, एक जर्म सेल था, तो एक जर्म सेल से कितने स्पर्म सेल्स बने, चार, एक जर्म सेल से चार स्पर्म सेल्स बने, तो ऐसे कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं एट वन टाइम, 10-20 लाख स्पर्म्स नॉर्मली रिलीज होते हैं, तो इतने सारे स्पर्म्स ऐसे बनते हैं, ये प्रोसेस का नाम है मियोसिस। मियोसिस के दो स्टेजेस हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, देख लो ये अच्छे से, चार स्पर्म्स बने, ठीक है। यहां से देखो प्रोफेज टू हुआ, मेटाफेज में मिडल में आ गए, एनाफेज में अवे हो गए, दो सेल में देखो टुकड़े टुकड़े हो गए, सिंगल सिंगल क्रोमेटिड अलग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एनाफेज में सिर्फ अवे हुए, टीलोफेज में चार न्यूक्लियाई बन गए, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो चार स्पर्म्स बन गए, ठीक है, और चारों स्पर्म को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। आई होप आपको समझ गया होगा, कोई डाउट रहेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे समझो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। दिस इज एजाज सर मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर, हैव अ नाइस डे।